हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोमेश आज अपने क्विक रिवीजन सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे सवाल किए थे श्लोक के बारे में और विशेष रूप से चरक के चिकित्सा स्थान के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चरक के चिकित्सा स्थान से भी निकाल लेते हैं। वैसे तो चिकित्सा स्थान थोड़ा सा टफ है, या फिर बोली जाए तो पूरी चिकित्सा जो हमारी काय चिकित्सा पोर्शन है वही एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इसको चालू करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बोल देता हूँ कि जीता वही जो हारा नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नए हैं, और हर बार चाहे हम जितना पढ़ें जितना खोजने की कोशिश करें हर बार नए नए सवाल इसमें मिल सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो आने की संभावनाएं हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं चिकित्सा स्थान से, एक्सक्लूसिवली चरक के चिकित्सा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को के लिए ये एग्जाम में यूजफुल रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस भी अभी भी आते हैं कि ये किस श्लोक लिखा रहेगा और पूछेगा कि ये किसके संदर्भ में कहा गया है। चलिए हम पढ़ते हैं, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। तो जैसे ही हम ऐसे श्लोक वाले सवालों को पढ़ते हैं थोड़ा हमें हाई अलर्ट के साथ पढ़ना है। वैसे तो ये फेमस कोटेशन है और इजी टू रिकॉल है कि ये रसायन चैप्टर का है, बस हमें पहचानना है इसको इसमें है कि ये किस रसायन के संदर्भ में कहा गया है। शिलाजतु रसायन, ऐंद्र रसायन, च्यवनप्राश और इंद्रोक्त रसायन। तो जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, ये ऐंद्र रसायन के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। धरणी धर सारस्य वायुना संविक्रम सभवत्य विषम चास्य गात्रे संपद्यते विषम, किस रसायन सेवन का फल है। ये भी एक श्लोक वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये। और ये है कि ऑप्शंस में देख से पहले ही हमें क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर दिया कि रसायन सेवन का फल मतलब रसायन के लिए ही बारे में किसी बोला जा रहा है। च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, नागबला, शिलाजतु, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने लिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ब्रह्म रसायन। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हृन नाभि पार्श्वोदर बस्ति शूलम चरकानुसार किस व्याधि से संबंधित है। क्वेश्चन में आचार्य का नाम क्लैरिफाई कर दिया है तो हमें इधर उधर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें एक बार और श्लोक को थोड़ा पढ़कर समझने की कोशिश करनी है कि पूछ क्या रहा है। हृन नाभि पार्श्वोदर बस्ति शूलम, हृदय नाभि पार्श्व उदर बस्ति में शूल होना चरक के अनुसार किस व्याधि से संबंधित है। मूत्राघात, मूत्रकृच, अश्मरी, गुल्म। तो ये है विशेष रूप से गुल्म के लिए कहा गया है। गुल्म के पांच स्थान जो बतलाए हैं तो उसी में ये शूल होना बतलाए हैं वहां पे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब भी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो इन एग्जाम क्वेश्चंस का एक ही टारगेट है, एक तो आपका कितना टाइम ये कंज्यूम कर सकते हैं और कितना आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट या फिर कंफ्यूज कर सकते हैं। यही इनका इन क्वेश्चंस का मेन मोटो यही रहता है कि जो हमारे पास दो घंटे का समय है उसको कैसे ये लोग डिस्ट्रैक्ट करके कम कर सकें। तो हमें इसको क्वेश्चन एक आध लाइन अगर अपन पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमने इसे पढ़ा हुआ है, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तभी हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ने जाएं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में बनाने के लिए ही जरूर रखें, शुरू में अननेसेसरी हम इनको छेड़छाड़ करेंगे तो जो इजी क्वेश्चन जो हम पढ़ सकते थे वो शायद मिस ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। ज्वर की अवस्था में दाह की अधिकता हो तो आचार्य चरक ने सहस्त्र धौत घृत का पान करने का निर्देश किया है। एक डिसीज है ज्वर, उसके बारे में कंडीशन लिख रहे हैं कि दाह की अधिकता है, फिर आचार्य का नाम लिखा हुआ है कि चरक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बोल रहे हैं सहस्त्र धौत घृत। घृत होते हैं सतधौत, सहस्त्र धौत पता है हमें, तो उसका क्या लिख रहे हैं, पान करने का निर्देश किया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ज्वर की अवस्था में सेम ही है, ज्वर की अवस्था में दाह की अधिकता होने पर आचार्य चरक ने सहस्त्र धौत घृत के अभ्यंग का निर्देश किया है। मतलब कि पूरा स्टेटमेंट सेम है, पहले वाले में बोल रहा है कि पान करने को बोल रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि अभ्यंग करने के लिए कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट ज्वर में दाह की अधिकता हो तो आचार्य चरक ने सहस्त्र धौत घृत के पान अभ्यंग का निर्देश, मतलब थर्ड ऑप्शन में दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं कि या पान भी बोले अभ्यंग भी बोले ऐसा। और फोर्थ में क्या बोल रहे हैं कि ज्वर में दाह की अधिकता होने पर आचार्य चरक ने सतधौत घृत का अभ्यंतर प्रयोग बतलाया है। तो फिर क्वेश्चन आगे अब पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त में सत्य कथन कौन सा है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार।
तो ज्वर में सहस्त्र धौतघृत का यूज करना, ये तो हमें याद है। अब इससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि सहस्त्र धौतघृत है मतलब कि फोर्थ ऑप्शन तो नहीं ही है। अब इन तीन ऑप्शंस में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लास्ट में हम भले ही चाहें तो एक कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे तो होना चाहिए कि केवल अभ्यंग का निर्देश किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब कि केवल दो। तो ये हमें अगर ध्यान है, याद है, हमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो सहस्त्रधौतघृत का विशेष रूप से अभ्यंग बस करने का इन्होंने निर्देश दिया है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। गुल्म रोग की चिकित्सा में वर्णित तैल पंचक का घटक द्रव्य नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि जब हाँ है नहीं है किसी, अब चलिए डिसीज स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर दिया है, ड्रग स्पेसिफाई कर दिया है, और घटक द्रव्य के बारे में पूछा और नहीं है बोला है, तो गुल्म का ज्ञान हमें है। चलिए गुल्म हमने पढ़ा हुआ है, तैल पंचक का नाम सुना, फेमस ड्रग है गुल्म में, एक DOC है उसकी, ड्रग ऑफ चॉइस है, और नहीं है तो घटक द्रव्य में क्या कंटेंट नहीं है। अगर तैल पंचक नाम से स्पष्ट है, पांच घटक इसमें है, तो अपन पढ़कर चले समझते हैं क्या है क्या नहीं। आरनाल, प्रसन्ना, गोमूत्र, गोदुग्ध, तो तैल पंचक में टोटल पांच कंटेंट्स होते हैं। इसका राइट आंसर है गोदुग्ध, मतलब कि तैल पंचक में गोदुग्ध नहीं है। इन तीन के साथ एक तो श्लोक में लिखा हुआ है तैल, जिससे कि एरंड तैल हम लेते हैं, और इसके अलावा एक यवाग्र, मतलब यवक्षार समझ लीजिए, या फिर क्षार के बारे में तो चरक को उतना ज्ञान नहीं था, यह भी समझिए यवाग्र करके लिखा हुआ श्लोक में। तो ये पांच चीजें हैं तैल पंचक के लिए, तो गोदुग्ध इसमें नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं, रक्त पित्त के रोगी में विबंध होने पर प्रयुक्त योग कौन सा है। ये भी चरक का ही है, चरक संहिता से रिलेटेड है कि रक्त पित्त का एक रोगी है उसमें कंडीशन है विबंध, तो ऐसी कंडीशन वाले में भी अपने को ध्यान रखना है। वैसे तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत से लोगों से ये बन जाएगा। वास्तु प्लस सस मांस, उदुम्बर प्लस तित्तिर मांस, प्लक्ष प्लस मयूर मांस, विदारी गंधा सिद्ध जल। तो विबंध की कंडीशन अगर है रक्त पित्त के रोगी में, तो वास्तु के साथ सस मांस का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एश एवं क्रियाक्रम है, किसकी चिकित्सा है। गुल्म की चिकित्सा ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम प्रकोपौ दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संसितौ तस्माद अग्निम सदा रक्षेन निदानानी च वर्जयेत। आचार्य चरक ने किसकी चिकित्सा के संदर्भ में बतलाया है, तो ये भी अपने को अग्नि लिखा है तो ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इसलिए मैंने ग्रहणी अतिसार जैसे ऑप्शन भी डाल रखे हैं, पर इसका राइट आंसर है गुल्म। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC या फिर AIA PGT में भी अगर किसी को चिकित्सा स्थान से सवाल छांटने हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला हम देखते हैं, निम्न औषध योगों को प्रयुक्त होने वाली व्याधि से सुमेलित कीजिए, मतलब औषध योग है और उसकी व्याधि है तो उनको मिलाना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस का भी टारगेट वही है कि अपने को कंफ्यूज करना है और टाइम कितना कंज्यूम हमारा ये कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, अगर हम एक साइड के ऑप्शन पढ़ेंगे तो दूसरे से अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सवाल हमसे बन पा रहा है या नहीं। अगर ऐसा लगता है तो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन को समझेंगे, अदरवाइज इसको छोड़कर लास्ट में बनाने के लिए देखेंगे। तो क्षीर सर्पल घृत में पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ, क्षीर सर्पल घृत का रोगाधिकार है गुल्म, तो एक का तो होना चाहिए सी, ये तो मुझे कंफर्म है क्षीर सर्पल घृत का है गुल्म। तो अगर हम इतने कंफर्म हो जाते हैं तो इन ऑप्शंस में हमें देखना है कि एक में सी किसके किसके में लिखा हुआ है। तो ए में लिखा है 1 का सी, बी में 1 का डी, तो ये तो नहीं होगा। फिर सी में 1 का सी लिखा हुआ है और डी में 1 का डी लिखा है, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है क्षीर तिक्त सर्पल घृत, तिक्त सर्पल घृत का रोगाधिकार क्या होगा, तो तिक्त सर्पल घृत अपन कुष्ठ में प्रयोग करते हैं, मतलब 2 का होना चाहिए डी। तो 2 का डी वाला ऑप्शन क्या क्या है, 2 का डी वाला एक ही है, वो भी सी में ही जा रहा है भाई, सी। फिर मूलाशव किसमें प्रयोग करते हैं, तो मूलाशव का रोगाधिकार है, मूलाशव दिया जाता है ग्रहणी रोग में, और फलारिष्ट दिया जाता है अर्श में, मतलब 3 का होगा बी और 4 का होगा ए। तो ये ऑप्शन हमें ढूंढ लेने हैं किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर है इसका सी। चलिए अगला अपन देखते हैं, अमृत प्राश घृत का रोगाधिकार है, अमृत प्राश घृत नाम सुनकर हमें चमन प्राश की ओर नहीं चला जाना है, इसका रोगाधिकार है क्षत क्षीर्ण। नेक्स्ट, एलादि गुटिका का प्रयोग कितनी मात्रा में करने का निर्देश है, मतलब क्या आचार्यों ने कई योगों के प्रमाण बतलाए हैं तो ये क्वेश्चन भी आया करते हैं। तो एलादि गुटिका का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, तो
एक अक्ष की मात्रा में करने के लिए बताया गया है, एक अक्ष की मात्रा में इसको हम प्रयोग करेंगे। अगला हम देखते हैं, शुष्क मुख किस अतिसार का विशिष्ट लक्षण है। अतिसार से संबंधित सवाल है, शुष्क मुख के बारे में पूछा है, ये हमें याद होगा तभी बन पाएगा, अदरवाइज गलत ही होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर हमने पढ़ा है तभी हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर है वातिक, मतलब वातिक अतिसार में शुष्क मुख लक्षण हमें मिलता है। स्वित्रे फिल इन द ब्लैंक्स मलपुरसम इष्यते सगुड़ः, यही फेमस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वमनम अग्रयम, विरेचनम अग्रयम, श्रंसनम अग्रयम, अनुलोमनम अग्रयम। इसका राइट आंसर है स्वित्रे श्रंसनम अग्रयम। चलिए नेक्स्ट, बुध भ्रंशम रुजापाम है, मतलब औसत योगों का नाम लिखा है और पूछ रहा है कि इनमें से किस औसत योग का कर्म बुध भ्रंशम रुजापाम है। चव्याधिघृत, चांगेरीघृत, अजादुग्ध, पिक्षावस्ती। तो इसका राइट आंसर है चांगेरीघृत। चांगेरीघृत के बारे में बोला गया है बुध भ्रंशम रुजापाम। आचार्य चरक ने रक्तातिसार की चिकित्सा में गुद प्रक्षालनार्थ किसका दुग्ध प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया है। तो रक्तातिसार में गुद प्रक्षालन के लिए किसका दुग्ध निर्देशित किया है। आवि, हस्तिनी, गोदुग्ध, अजादुग्ध। इसका राइट आंसर है अजादुग्ध। महानदीम वा तरतो हयैर वा सहधावतः किस व्याधि का निदान है। निदान है किस व्याधि से संबंधित है कि महानदीम वा तरतो हयैर्वा सहधावतः राजयक्ष्मा उरुस्तंभ क्षतक्षीर्ण कुष्ठ। तो इसका राइट आंसर है क्षतक्षीर्ण के संदर्भ में कहा गया है। अगर क्षतक्षीर्ण ऑप्शन में ना हो तो उरह क्षत वाला ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्क्रिप्शन एक ही चैप्टर में है। चलिए, पवनो अति प्रवृत्तो ही स्वे स्थाने लभते अधिकम बलम तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिर उत्तमम। किस रोग के संदर्भ में बतलाया गया है। तो ये चरक का श्लोक, पक्षाघात, अतिसार, वातरक्त, योनि व्यापद। पवनो अति प्रवृत्तो ही स्वे स्थाने लभते अधिकम बलम तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिर उत्तमम। मतलब बोल रहे हैं कि अति प्रवृत्ति, मतलब ये बेसिकली ये मल के संदर्भ में हुआ है बात। तो राइट आंसर है इसका अतिसार। कहना ये चाह रहे हैं कि मल की अति प्रवृत्ति होने के कारण क्या होता है, अपने स्थान पर वायु की अधिकता हो जाती है, बलम तस्य स पित्तस्य, और पित्त के साथ वो बलवान हो जाता है, तो उसको जीतने के लिए बस्तिर उत्तमम, बस्ति उत्तम चिकित्सा कही गई है। तो ये अतिसार के संदर्भ में है। दशमूलस्य वा क्वाथम अथवा देवदारुणः त्रिषितो मदिराम वा अपि फिल इन द ब्लैंक्स किस रोग के संदर्भ में कहा गया है। ये क्वेश्चन मैंने अपने खुद से डाल लिया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। मुझे पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये आ सकता है। हिक्का, श्वास, मदात्याय, श्वयथु, अर्श, किस व्याधि के संदर्भ में है ये। तो हिक्का और श्वास के लिए कहा गया है कि प्यासा व्यक्ति है, कोई त्रिषित है, तो उसको अपने को प्रयोग करना है। नेक्स्ट, स पूर्वम कासते शुष्कम ततः स्थीवेत स शोणितम, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस काश के संदर्भ, मतलब काश के भेदों के बारे में बोल रहा है। तो किस काश के संदर्भ में कहा गया है, वातज, पित्तज, क्षतज, क्षयज। राइट आंसर है इसका क्षतज काश के संदर्भ में, कि पूर्व में ड्राई कफ होगा फिर बाद में हिमोप्टेसिस होने लगेगा उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, किस आचार्य ने पक्षाघात की चिकित्सा में बतलाया है। तो किस आचार्य बोला है, मतलब कि हमें कंफ्यूज कर रहा है कि किस आचार्य के बारे में। चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग हृदय है, चक्रवर्त, ये सब ऑप्शंस में है हमारे पास। तो ऐसे ही एक फेमस श्लोक और है कि स्वेद स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, और दूसरा एक ये है स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। तो चरक ने बोला है स्वेदन वाली बात, चरक ने कही है, मतलब कि ये स्वेदन लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है चरक। अगर इसके जगह पर स्नेहनम स्नेह संयुक्तम होता तो अष्टांग का श्लोक होता वो। तो मैंने ये 20 सवाल आप लोगों के लिए छांटे थे चरक के चिकित्सा स्थान से संबंधित। फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, चिकित्सा स्थान एज कम्पेयर टू अदर पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग भी बहुत है और कन्फ्यूजिंग भी बहुत है। तो हमको इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हम पहले कवर करें, और जो हमने कोचिंग में पढ़ा है या सेल्फ स्टडी अगर आप हम किए हैं तो जो भी हमको लगते हैं इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको ही पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूजी का एग्जाम नहीं है कि हमें समरी फॉर्म में लिखना है। टिप ऑफ द टंग, टिपिकल आंसर्स हमें याद होने चाहिए। तो भले ही हम कम चैप्टर्स पढ़े हुए हैं पर जितने चैप्टर्स पढ़े रहे हैं वो सॉलिड हो हमारा,
ताकि हम अगर उनसे रिलेटेड कोई कार्य चिकित्सा या निदान से संबंधित कोई सवाल आ जाता है तो उसको गलत हम ना करें, उसको हम सही ही लगा पाएं, उसमें हम कन्फ्यूज ना हो, तो ये बेहतर होगा। तो आज के लिए कार्य चिकित्सा से संबंधित श्लोक वाले क्वेश्चन इतने ही थे। थैंक यू।